हेलो दोस्तों, मैं रिव्यू करूंगा एसर नाइट्रो 5। ये वाला जो मॉडल है जो आपको दिख रहा है सामने, इसी का। तो ये इसका पहले प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ आपको। तो 16 GB रैम और इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 3200 Hz, सॉरी मेगाहर्ट्ज। और बाकी आप गूगल में देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने खरीदा था लैपटॉप 14 अक्टूबर को, दिवाली के सेल में 92,000 मिला। और 92,000 लेने के बाद खुशी खुशी मैं घर आया। 3 दिन बाद लैपटॉप मर गया। मरने के बाद जब मैंने क्रोमा को फोन किया, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। वो लोग ने इतने बोले, सर या तो लैपटॉप हमको दे दीजिए या तो सर्विस सेंटर में दे दीजिए, और कुछ भी होता है हम आपको हेल्प करेंगे। तो सर्विस सेंटर में दिया, तो मेरा किस्मत इतना खराब है, पता चला मदरबोर्ड इश्यू हो गया। फिर उन लोगों ने बोला, सर नया मदरबोर्ड रिप्लेस कर देंगे। चलो अच्छी बात है, नया मदरबोर्ड मतलब नया लैपटॉप जैसे हो गया। तो उसके बाद पहला मदरबोर्ड आया, वो भी डिफेक्टिव। दूसरा मदरबोर्ड आया, वो भी डिफेक्टिव। तब मैं बहुत बौखला गया और मैंने उनको बोला कि भाई रहम करो, छोड़ो, हमको नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने एसर ने बोला कि हमको एक लास्ट चांस दीजिए, विल डेफिनेटली क्या बोलते हैं, नया मदरबोर्ड आपको ला के रन करा के पूरा। तो मैं चलो ठीक है, एक और मौका देता। तो लास्ट चांस जो मैंने दिया, तो उसमें मदरबोर्ड सही से काम कर रहा था। मैं पिछले 2 दिन से गेम वेम खेल रहा हूँ, तो मुझे कोई इश्यू नहीं आया। लैपटॉप बहुत स्मूथ रन कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये लैपटॉप खरीदना को आपको मन है, तो हो सकता है अगर आपका किस्मत खराब हो तो आपको भी एक फॉल्टी डिवाइस मिल सकता है। इसीलिए आप ये लैपटॉप खरीदने के बाद इमिडिएटली एसर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है या कस्टमर सपोर्ट है, उनको कॉल करके एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए। मैंने 2021 को खरीदा है और 2024 तक वारंटी है मेरा। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 2,700, 3,000 पकड़ लो, उतना ही गया है। तो अच्छा ही है, उसमें आपका मदरबोर्ड वगैरह रिप्लेस हो जाता है, ऐसा ही है। और अगर आप बैंगलोर में रहते हो, तो आप तो किसी का कोई भी ब्रांड का लैपटॉप खरीद सकते हो, फुजित्सु, तोशिबा। लेकिन मेरा एक ही एडवाइस है, इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन ए मेट्रो सिटी, देन यू गो फॉर डेल और एचपी, क्योंकि वहां पे आपको एसर का सर्विस मिलना बहुत जैसे कि मैंने पहले बोला है, प्रोसेसर इसका राइजन है और ग्राफिक कार्ड RTX 3060। मैं आपको फ्रेम रेट वगैरह जैसे दूसरे लोग दिखाते हैं ना एमएसआई आफ्टर बर्नर डाल के, तो मैंने ट्राई किया था, तो एमएसआई आफ्टर बर्नर काम नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा, आप लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये लैपटॉप ले रहे हैं, जितना मैंने देखा है, तो मुझे इतने पता चला कि एसर में एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, और वो है, आप बस इतना टाइप करके देखो, एसर नाइट्रो या एसर ब्लैक स्क्रीन। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि सडनली वो लैपटॉप में ब्लैक स्क्रीन आता है, कोई लोगो नहीं आएगा, बूट मतलब लैपटॉप वैपटॉप सब ऑन रहेगा लेकिन बूट टाइम में फंस जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, बैकग्राउंड में नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा सिचुएशन में बैटरी निकाल के या रैम निकाल के रीसेट कर दे तो काम करता है। तो मेरे में जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, इतना ही पता चला कि इसका मदरबोर्ड का इश्यू था, और जो स्पेयर मदरबोर्ड आया उन सब में भी इश्यू था। बट आई एम हैप्पी विद देयर सर्विस। उन लोग ने टाइम टू टाइम मेरे को अपडेट दिया, सब कुछ दिया, इवन क्रोमा। वो लोग भी उन लोग तो इतने बोले, सर अगर आपको कुछ भी इशू हो जाता है, हम लोग तो आपको रिफंड करने के लिए भी रेडी है। तो अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो, तो मेरा इतना एडवाइस है, या किसी रेपुटेड स्टोर से खरीदो, क्रोमा, इट्स अ सब्सिडी ऑफ टाटा, तो उनका रेपुटेशन का सवाल है। सामान खराब मिलेगा तो वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे। इससे पहले वॉशिंग मशीन में Mayday, Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 555, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. Is Ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out.